भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है हमारी इंडिजिनियस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है, वो कठिन से कठिन मौसम में भी सर्वाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है, इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुरा, मेहसाणा, जाफराबादी, नीली रवि, पंडरपुरी जैसी अनेक नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, सहीवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी ही कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती है। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी।